नमस्कार, मैं अशोक गुजर, आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज़ पर। जिस तरीके से देखा जाए तो हमारे पूरे देश में कोरोना का कहर तो छाया हुआ ही है, वहीं पर देखा जाए तो आज लोग बढ़ चढ़कर अनाज वितरण, पका हुआ भोजन भी देने की तैयारी करते। और अब बारी आई है, जिस तरीके से प्रदेश से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने पहुंचे थे आर्थिक राजधानी मुंबई में, अब वहीं पर देखा जाए तो आज हमारे साथ में खास मुलाकात में हमारे साथ में हैं मुंबई के उपाध्यक्ष एनसीपी के श्रीकांत मिश्रा जी। क्या कुछ कहना है जानते उन्हीं से। सर, जिस तरीके से लोग अभी गांव जाना चाहते हैं तो उस पर क्या सुविधा दी जा रही है? जो लोग गांव जाना चाहते हैं, केंद्र सरकार ने तो बोल दिया है कि आप लोग यहां से पास बनवाइए जाइए। दो तीन दिन तक तो पुलिस स्टेशन में खूब पास बने, लेकिन अभी तक तो शायद है कि मुश्किल से 2-3% लोगों को पास मिला। बाकी का अब उन लोगों ने बंद कर दिया है। तो कोई कहता है कि DCP पास देगा, कोई कहता है कि ये पास देगा। प्राइवेट गाड़ी के लिए अलाउड नहीं है, ट्रेन चालू होगी तब आपको जाने को मिलेगा। और ट्रेन का कोई अभी तक भरोसा नहीं है, रोज़ ट्रेन आज कल जाएगी परसों जाएगी ऐसा कहते हैं। और उसके बाद अभी पूरे मजदूर एकदम अंधकार में है, उनको ये पता ही नहीं है कि मुझे ट्रेन का टिकट लेना है, कि पुलिस वाले ट्रेन का टिकट कन्फर्म कराएंगे, कि भाड़ा देना है कि नहीं देना है, क्या रिजर्वेशन होगा क्या होगा। सब अफरा तफरी मची हुई है, कोई किसी को सही राय या सही समझ नहीं दे रहा है और किसी को मालूम ही नहीं। हमारे जैसे को अभी तक नहीं पता है कि क्या होने वाला है, कैसे ये लोग भेजेंगे, कैसे यहाँ से मजदूर लोग अपने अपने घरों को जाएंगे, ये आज तक अभी तक पता नहीं चल रहा है। इसीलिए काफ़ी मजदूर कोई पैदल चले जा रहा है, कोई साइकिल लेके चले जा रहा है, कोई बाइक से चले जा रहा है, काफ़ी मजदूर निकल रहे हैं। और इसीलिए रोड पे खूब भीड़ भाड़ मची है, अफरा तफरी मची हुई है और मजदूर अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है। सर, तो आपने इन जैसे गरीब भाई हो या ज़रूरतमंद हो या लेबर जो है जो लोग रुके हुए हैं वहाँ पर, कोई सेवा आपकी तरफ से कुछ रही हो? मेरी ही तरफ से नहीं, पूरे बम्बई के सभी को मैं अन्नदाताओं को धन्यवाद देता हूँ कि वे लोग इस समय पार्टी से हट के, दल से हट करके सब लोग गरीबों को जिससे जितना हो रहा है वो खाना दे रहे हैं, पका हुआ भोजन दे रहे हैं, कोई राशन दे रहा है, कोई किट दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तो सब दे रहे हैं और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो जून जुलाई में इतना बड़ा महामारी ये आने वाला है उस समय इन गरीबों का क्या होगा। इसलिए मेरा सरकार से अपील है, इसलिए मेरी केंद्र सरकार से भी अपील है कि जो मजदूर जाना चाहते हैं अपने घर अपने गांव, उन्हें आसानी से पास दिया जाए, वो अपने अपने घर चले जाएं, जिससे कि मुंबई का लोड कम होगा। और मुंबई का लोड कम होने से यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा महामारी फैली हुई है इसमें ज़रूर कमी आएगी। तो सर, आप जनता को क्या उपदेश देना चाहोगे, आपकी जनता की जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ पर किस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी जाए? कोरोना से लड़ाई तो लॉकडाउन के सिवाय हमारे हिंदुस्तान में हॉस्पिटल नहीं है, हम न हिंदुस्तान में बेड की सुविधा है, न ICU है, न वेंटिलेटर है, सबकी भारी कमी है। हमारे हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, धर्म के नाम पे करोड़ों रुपए की मस्जिद बनती है, करोड़ों रुपए का मंदिर बनता है, करोड़ों रुपए का चर्च बनता है, लेकिन एक हॉस्पिटल नहीं खड़ा होता है। आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे खास मुलाकात में। आज हमारे ये थे श्रीकांत मिश्रा जी, NCP के मुंबई के उपाध्यक्ष। क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरीके से चलना चाहिए लॉकडाउन पर और क्या पालन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताई। और जिस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने जो मजदूरों पर जो आपत्ति भी जताई और जिस तरीके से उनको घर तक पहुंचाने का भी जिस तरीके से रास्ता दिखाया, केंद्र सरकार से भी अपील की, राज्य सरकार से भी अपील की उन्होंने कि ये सारी चीज़ें हो तो जल्द से जल्द वो घर पहुँच जाए, ताकि आने वाले समय में महामारी का कड़ा सामना हमें करना है। कैमरा पर्सन दिनेश परेशा के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़ मुंबई।